नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन और यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट लेकर आए हैं। प्रश्नोत्तर की ओर जाएं उससे पहले मैं आपको एक इसके सिलेबस के बारे में, एग्जाम स्कीम के बारे में बता देता हूँ। आप सभी को इसके बारे में तो पता ही होगा, फिर भी कोई नए दर्शक जो अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इस वीडियो पर आए हैं, वो भी इसे जरूर देखें। लैब असिस्टेंट की वैकेंसी के लिए आपका राजस्थान सामान्य ज्ञान का जो सेक्शन उसमें दे रखा है, इसमें राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और राजस्थान भूगोल से जुड़े आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे आप ज्योग्राफी स्ट्रीम से होम साइंस से हो या फिर जनरल साइंस से हो। ठीक है, तो इसके प्रश्न पत्र के ए जो पार्ट है, इसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और साहित्य पर ये जो आपके सिलेबस के अंतर्गत टॉपिक जो दे रखे हैं, इन टॉपिकों पर आधारित जो प्रश्न है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा लैब असिस्टेंट एग्जाम 2016 और 2018 में पूछे गए हैं, उनका हम डिस्कस करेंगे। जिसका सिलेबस 2016 में भी यही था, राजस्थान जीके का, 2018 में भी यही था और 2022 में भी राजस्थान सामान्य ज्ञान का, राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, परंपरा और विरासत का यही पाठ्यक्रम है। तो इस 17 जो टॉपिक दे रखे हैं, इस पर आधारित किस प्रकार के प्रश्न लैब असिस्टेंट के प्रीवियस एग्जाम में पूछे हैं, उनका हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि आपके एग्जाम में किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। जो विद्यार्थी लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए तो ये वीडियो महत्वपूर्ण है ही। इसके अलावा भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके सिलेबस में ही अगर यही टॉपिक दे रखे हैं, आपका सिलेबस में राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति के ये टॉपिक है, तो आपको भी इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। और इस वीडियो में मैं केवल प्रश्नोत्तर को ही हल नहीं करवाऊंगा, बल्कि प्रत्येक प्रश्न के आसपास में और भी महत्वपूर्ण तथ्य, और भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, उनको भी मैं बताता हुआ चल रहा हूँ। और वर्तमान एग्जाम के आप पेपर देखेंगे, 2022 के पेपर, तो उसका ट्रेंड भी यही है कि जो इम्पोर्टेंट चीजें प्रीवियस एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछी है, उनको थोड़ा सा घुमा फिरा कर उसमें कुछ और चीजें ऐड करके कूट का प्रयोग करते हुए नए फॉर्मेट में पूछी जा रही है। तो कितना ही फॉर्मेट चेंज करें, अगर आपके पास में फैक्ट अच्छे से तैयार है, तो आप किसी भी प्रकार के प्रश्न में मात नहीं खाएंगे, उसको अच्छी तरीके से आप अटेंड कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लैब असिस्टेंट 2016 का ये पेपर है, जिसमें राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत से संबंधित 25 प्रश्न पूछे गए हैं, उनका आइए हम डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि पुस्तक का नाम है वीर विनोद, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये राजस्थान की जो भाषा, साहित्य और संस्कृति है, राजस्थानी भाषा साहित्य से संबंधित प्रश्न है। वीर विनोद की मित्रों रचना की थी श्यामल दास ने। श्यामल दास कहाँ के कवि या लेखक थे? तो ये आपकी मेवाड़ रियासत के, आपने नाम सुना होगा, देशहितैषिणी सभा की स्थापना करने वाले सज्जन सिंह। सज्जन सिंह और स्वरूप सिंह के दरबार में श्यामल दास रहा करते थे, और स्वरूप सिंह की आज्ञा पर उन्होंने वीर विनोद नामक ग्रंथ लिखा, जो कि जब तक सज्जन सिंह रहे, सज्जन सिंह तक का इसमें इन्होंने इतिहास लिखा है। और वीर विनोद 5 खंडों में विभाजित है। हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था कि उद्योतन सूरी की कुवलयमाला में कितनी भारतीय भाषाओं का प्रयोग किया गया है, कितनी कितनी भारतीय भाषाओं को मेंशन किया गया है, तो उसमें 18 भारतीय भाषाओं के बारे में जानकारी दी हुई है। इसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि वीर विनोद कितने भागों में विभक्त हैं, तो ये 5 भागों में विभक्त है। इसके पहले भाग में आपको ध्यान में रखना है कि पहले भाग में भारत, इसके अलावा यूरोप और कई एशियाई देशों के भौगोलिक क्षेत्रों का विवरण दिया गया है, और अंतिम पार्ट में मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह तक का, मेवाड़ का इतिहास उसमें लिखा गया है। ठीक है, तो ये आपको वीर विनोद श्यामलदास के संबंध में ध्यान में रखने वाली महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसके अलावा विकल्प जो दे रखे हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है राजस्थान इतिहास के, राजस्थान साहित्य के। सूर्यमल मिश्रण की बात करें, तो सूर्यमल मिश्रण बूंदी के राजकीय कवि थे। ठीक है,
और सूर्यमल मिश्र ने वंश भास्कर जैसी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो लिखी हैं। केसरी सिंह बारठ 1910 में इन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना की, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना है। और केसरी सिंह बारठ ने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को चेतावनी रा चुंगटिया लिखा था जो कि 1300 थे। गौरी शंकर हीराचंद ओझा की बात करें तो राजस्थान इतिहास में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने प्राचीन भारतीय लिपिमाला नामक ग्रंथ लिखा है, ध्यान रहे प्राचीन भारतीय लिपिमाला ग्रंथ गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने लिखा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मेसोलिथिक शब्द है, ये क्यों पूछा गया? यहाँ पर आपका सिलेबस देखते हैं, सॉरी, ये आपका सिलेबस है और इसमें राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत और राजस्थान की प्रागैतिहासिक सभ्यता का विवरण दे रखा है, तो इसी से संबंधित आपका यह सवाल पूछा गया है, राजस्थान के इतिहास के स्रोत से संबंधित। तो मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक जो शाब्दिक अर्थ है ये है मध्य पाषाण कालीन। ठीक है, यहाँ पर एक राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मानव सभ्यता का जब उद्भव होता है, मानव सभ्यता का जब विकास होता है, तो उद्भव के काल को हम पाषाण काल के नाम से जाना करते हैं। ठीक है, पाषाण काल मानव सभ्यता का प्रारंभिक काल, और पाषाण काल को 3 भागों में विभक्त किया गया है, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण या उत्तर पाषाण। पूर्व पाषाण को हम पेलियोलिथिक कहते हैं, मध्य पाषाण को मेसोलिथिक कहते हैं और नव पाषाण या उत्तर पाषाण को हम नियोलिथिक एज कहते हैं। ठीक है, तो आपका मेसोलिथिक जो शब्द है ये मध्य पाषाणकालीन युग को इंगित करता है। और आपसे ये भी सवाल काफी बार पूछा जाता है कि कौन सी सभ्यता मध्य पाषाणकालीन है, कौन सी नव पाषाणकालीन है, कौन सी पुरापाषाणकालीन है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। और लूनी नदी की घाटियों से जो सभ्यताएं हैं निकली है वो आपकी मोस्टली मध्य पाषाण युगीन सभ्यता मानी जाती है। अगला प्रश्न है, कहाँ के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई थी? राजस्थान इतिहास से संबंधित यह सवाल आपसे पूछा गया है। महारावल की, तो रावल और महारावल ये डूंगरपुर के शासक लगाया करते थे। इसमें राइट आंसर दो होगा, कोटा के महाराव। ठीक है, महाराव और राव कोटा, रावल है ये आपके डूंगरपुर के शासक लगाया करते थे। तो इस सवाल का जो सही जवाब है विकल्प दो है। और देखिए, जोधपुर की बात करें तो जो जोधपुर के राजा और महाराजा जिस प्रकार से बीकानेर वाले लगाते थे उस प्रकार से जोधपुर वाले लगाते थे। ठीक है, नेक्स्ट, कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? तो कोटा राज्य का संस्थापक राव माधो सिंह था। ठीक है, पहले कोटा राज्य बूंदी का ही हिस्सा था और उसके बाद में राव माधो सिंह ने कोटा नाम से स्वतंत्र राज्य है वो स्थापित किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि राव माधो सिंह ने कोटा को कब बसाया, कोटा की स्थापना कब की, तो आप जवाब देंगे 1624। माधो सिंह ऐसा शासक था जिसने कोटा को स्वतंत्र रूप से, विधिवत रूप से कोटा की स्थापना है वो की है। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट ने सवाई जय सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया? हम राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें कछवाहा वंश या जयपुर के आमेर के शासकों का इतिहास पढ़ते हैं, तो सवाई जय सिंह का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। सवाई जय सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया है मोहम्मद शाह ने, विकल्प नंबर 4 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसकी इसके नाम के पीछे सवाई भी लगा हुआ है, तो सवाई की उपाधि से विभूषित किसने किया? औरंगजेब ने। सवाई ही क्यों लगाई? क्योंकि इससे पहले मिर्जा राजा जय सिंह हुए थे। ठीक है, मिर्जा राजा जय सिंह के बाद में जब सवाई जय सिंह आते हैं तो सवाई जय सिंह की बोलने का लहजा, वाक्पटुता और इसकी जो इंटेलिजेंसी है उनको देखते हुए औरंगजेब ने इन्हें मिर्जा राजा जय सिंह से भी बढ़कर बताया, सवाई मानते हुए इनको सवाई की उपाधि है वो दे दी थी। ठीक है, और उसके बाद में क्या होता है, देखिए, ये 1700 ईस्वी में जयपुर के शासक बनते हैं और 1743 तक जयपुर के शासक रहते हैं। जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, 1707 में, उसके बाद में
संघर्ष होता है औरंगजेब के पुत्रों के मध्य, जिसका एक नाम आजम और दूसरे का मुअज्जम। तो उस संघर्ष में सवाई जयसिंह आजम का साथ देता है, लेकिन आजम पराजय हो जाता है और मुअज्जम है वो जीत जाता है, और मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से शासक बनता है। और शासक बनते ही सवाई जयसिंह पर एक्शन लेता है और सवाई जयसिंह को राज्य से निष्कासित करके विजय सिंह नामक राजकुमार को जयपुर का शासक नियुक्त कर देता है, और जयपुर का नाम है वो मोमिनाबाद कर देता है, मोमिनाबाद। ठीक है, तो ये भी राजस्थान के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी जो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा आपको सवाई जयसिंह के संबंध में कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। वो ध्यान में रखने वाली बात ये है कि सवाई जयसिंह ने एक तो 1734 में, इन्होंने 17 जुलाई 1734 में भीलवाड़ा के उरड़ा नामक स्थान पे राजपूत राजाओं का एक सम्मेलन बुलाया, जिसे उरड़ा सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही 1734 में इन्होंने जयपुर में एक दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसका नाम है नाहरगढ़ का किला। इसके अलावा इन्होंने जो सिटी पैलेस है, चंद्र महल है, इसका निर्माण करवाया, जल महल का निर्माण करवाया। ये जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसके भी निर्माता। इसके अलावा आपका अगर जयपुर के जय बाण तोप की बात करें, तो जय बाण जो तोप है इसके भी निर्माता, ये भी सवाई जयसिंह ने ही बनवाई थी, जो एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। ठीक है, तो ये सवाई जयसिंह के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट ध्यान में रखें। इसके अलावा और एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, 1727 में विद्याधर भट्टाचार्य के निर्देशन में जयपुर राज्य की स्थापना की, जयपुर का नगर नियोजन है वो इसी ने करवाया था, सवाई जयसिंह ने करवाया था। ठीक है, और सवाई जयसिंह के बारे में ध्यान में रखें तो इन्होंने दिल्ली, मथुरा, वाराणसी, जयपुर इत्यादि 5 जो वेधशालाएं हैं उनका निर्माण करवाया, जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ लिखवाया। ऐसी महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो सवाई जयसिंह के शासनकाल में देखने को मिलती है। तो सवाई जयसिंह के बारे में इतना जो मैंने चीजें बताई है वो आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, जोड़ों को कौन सा मेल सही नहीं है। राणा प्रताप सिसोदिया, ठीक है, जसवंत सिंह राठौड़ थे, राजा मान सिंह खाड़ा, महाराणा हमीर गोहिल। तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सही मेल नहीं है। राजा मान सिंह है ये आपके कछवाहा वंश के शासक है। ठीक है, कछवाहा वंश, राजा मान सिंह आमेर के। नेक्स्ट है, यहाँ कुछ युद्धों की सूची दी गई है जो मध्यकालीन राजस्थान में लड़े गए थे। अब इन युद्धों को क्या करना है कि काल क्रमानुसार इनको व्यवस्थित करना है। 2016 में ये पेपर हुआ है और अब तक अधीनस्थ बोर्ड के या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो पेपर आ रहे हैं उसमें भी इस प्रकार के प्रश्न आपको प्रत्येक पेपर में एक आध प्रश्न देखने को मिल जाएगा इस पैटर्न पर। ठीक है, तो देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में होता है, समेल जिसे गिरि सुमेल का युद्ध कहते हैं 1544 में होता है, खानवा का युद्ध 1527 में होता है बाबर और राणा संग्राम सिंह के मध्य, बटवाड़ा के युद्ध 1761 में होता है, ये आपका युद्ध रणथंभौर किले के लिए होता है, हाड़ा शासकों के बीच में और आमेर के जयपुर के कछवाहा शासकों के बीच में। ठीक है, तो तराइन का प्रथम युद्ध की बात करें तो ये 1191, अब इसको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ, तराइन वाला, एक नंबर पर ये आ जाएगा। उसके बाद में अगर इनको देखते हैं तो खानवा का युद्ध 1, 2, और उसके बाद में समेल का युद्ध 3 और 4 है बटवाड़ा। 1, 2, 3 और 4 यानी कि विकल्प बी हमारा इसमें राइट आंसर है वो हो जाता है। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार गोला बारूद का प्रयोग किया, तुरुगमा पद्धति अपनाई। ठीक है, और इसमें राणा संग्राम सिंह की पराजय होती है और बाबर भारत पर अधिकार कर लेता है। मुगल साम्राज्य की नींव है वो आपकी रखी जाती है। बटवाड़ा का युद्ध की बात करें तो ये जो आपका युद्ध है बटवाड़ा का युद्ध,
ये आपका रणथंबोर दुर्ग को लेकर लड़ा गया था, और गिरी सुमेल युद्ध है ये आपका राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था। इसमें शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरा के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, और प्रसिद्ध वीर योद्धा जेता और कुंपा इसी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। आपको ध्यान में रखना है जेता कुंपा का संबंध किस युद्ध से है, तो गिरी सुमेल के युद्ध से है। ठीक है, त्राइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने किसको पराजित किया था, महमूद गोरी को पराजित किया था, और द्वितीय युद्ध में जो पृथ्वीराज है वो स्वयं पराजित हो गया था। नेक्स्ट है स्थान और आगे संबंधित किलों या दुर्गों के नाम दिए गए हैं, कौन सा युग्म सही है। जैसलमेर, मेहरानगढ़ बिल्कुल गलत है, जोधपुर, जूनागढ़ ये भी गलत है, शेरगढ़, कोषवर्धन, बीकानेर, सोनारगढ़। तो इसमें युग्म सुमेलित है वो शेरगढ़ कोषवर्धन है, ये 12 जिले में स्थित है। 12, शेरगढ़ को सांपों की शरण स्थली भी कहा जाता है, शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य भी है, और शेरगढ़ जो किला है ये 12 में स्थित है, इसे कोषवर्धन दुर्ग के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा देखिए जैसलमेर का जो किला है इसे स्वर्णगिरी और सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है, जोधपुर का जो किला है इसे गढ़ चिंतामणि, म्यूर ध्वज और मेहरानगढ़ के नाम से जाना जाता है, बीकानेर के किले को जूनागढ़ के नाम से जाना जाता है, जूनागढ़ का दुर्ग लालगढ़ भी इसे कहते हैं। तो ये आपका इन दुर्गों का सही क्रम हो गया, और इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये पूछा है, तो इसमें 3 राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कौन सा सुमेलित है, यानी कि शेरगढ़ कोषवर्धन 12 का ये सुमेलित है, बाकी के सुमेलित नहीं थे। नेक्स्ट है संत बाबूजी के शिष्य मुख्यतः हैं, तो संत बाबूजी इनके जो शिष्य हैं वो रेबारी जाति के लोग हैं। देखिए यहाँ पर जाट तेजा जी के शिष्य जाट है, गुर्जर जाति देवनारायण, गुर्जर देवनारायण जी के शिष्य तेजा जाट तेजा जी के शिष्य, और रेबारी बाबूजी के शिष्य मुख्यतः हैं। अगर बाबूजी की बात करें तो बाबूजी का जन्म होता है कोलू मंड फलोदी जोधपुर में। ठीक है, इन्हें ऊंटों का देवता और प्लेग रक्षक देवता के रूप में मान्यता प्राप्त है। तेजा जी की बात करें तो तेजा जी को धौलावीर के नाम से जाना जाता है, करनाल नागौर में इनका जन्म होता है। ठीक है, और अगर बात करें इनका ससुराल पनेर था। ठीक है, ला काला वे बाला के देवता के रूप में मान्यता प्राप्त है, और देवनारायण को औषधि शास्त्र का ज्ञाता माना जाता है, और ये आपके गोठा दड़ावता जो गांव है आसिंद भीलवाड़ा में, यहाँ पर इनका जन्म होता है सवाई भोज के घर पर, देवनारायण जी भगवान का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर 1 हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। राणा कुंभा को वाद्य यंत्रों में किस में दक्षता थी, तो राणा कुंभा बहुमुखी प्रतिभागे धनी थे। ठीक है, और इन्हें वीणा वादन में बहुत दक्षता प्राप्त थी। ठीक है, और देखिए राणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि भी दी गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि क्यों दी, इस प्रकार से सवाल काफी बार पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो महाराणा कुंभा भी मेवाड़ के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्होंने कई संगीत ग्रंथ रचे थे, और इन्हीं संगीत ग्रंथों की रचना के लिए इन्हें अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि से विभूषित किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा हाल गुरु, छाप गुरु, हिंदू सुल्तान, दान गुरु, अशोकपति, नरपति, इस प्रकार की कई उपाधियां दी गई है, जिसमें महत्वपूर्ण उपाधि आपको ध्यान में रखना है हिंदू सुल्तान। ठीक है, महाराणा कुंभा, और 1437 में इन्होंने सारंगपुर युद्ध के विजय में विजय स्तंभ का निर्माण है महाराणा कुंभा ने करवाया, और ऐसी मान्यता है कि मेवाड़ के 32 जो दुर्ग है उसका निर्माण महाराणा कुंभा ने, मेवाड़ में लगभग राजस्थान में 32 दुर्गों का निर्माण है वो महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्यतः है, तो शिकार के दृश्य कोटा शैली की प्रमुख विशेषता है, और इसमें एक महत्वपूर्ण दिलचस्प बात यह है कि कोटा चित्र शैली में
पुरुषों को ही नहीं अपितु रानियों और नारियों को भी शिकार करते हुए प्रदर्शित किया गया है, और कोटा चित्र शैली का स्वर्ण काल महाराजा उम्मेद सिंह के शासनकाल को माना जाता है, ठीक है। और शिकार का दृश्य भी इन्हीं के शासनकाल से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है, और जो पशु पक्षियों के लिए जो प्रसिद्ध शैली है वो आपकी बूंदी चित्र शैली है, और हाथियों की लड़ाई के दृश्य आपकी अमेर चित्र शैली या जयपुर चित्रकला शैली में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर कूट के माध्यम से आपको सही उत्तर का चयन करना है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाते हुए। देखिए, शेख हमीदुद्दीन मिठे महाबली, तो मिठे शाह की दरगाह, मिठे महाबली की दरगाह आपकी गागरोन में है। बाकी आपको ना आए ये एक आ जाए तो भी देखते हैं विकल्प सही बैठते हैं या नहीं बैठते हैं। तो ए में दो केवल और केवल एक नंबर विकल्प में है, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। मौलाना जियाउद्दीन की दरगाह आपकी जयपुर में है, शेख नजमुद्दीन की दरगाह आपकी फतेहपुर में, और शेख बाबा इसहाक की दरगाह खाटू में है। खाटू में खाटू श्याम जी का भी मंदिर है, आपको पता होगा। गागरौन झालावाड़ में यहाँ पर एक सूर्य मंदिर है, सॉरी झालरापाटन है ना, झालरापाटन में सूर्य मंदिर है, जिसे सप्तरत्न सूर्य मंदिर के नाम से, पद्मनाभ सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो काफी महत्वपूर्ण है। और गागरोन, यहाँ पर गागरोन दुर्ग है जो कि जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है। काफी बार सवाल पूछा जाता है जल दुर्ग गागरोन का किला, ठीक है। और यहाँ पर संत पीपा जी से संबंधित पीपा की गुफा है, वो भी यही है। नेक्स्ट है, कौन सा जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है? कोटा, अजलगढ़, गागरोन और शाहबाद। तो जल दुर्ग का उत्तम जो उदाहरण है ये आपका गागरोन का किला है, काफी बार मैंने कहा पूछा गया है। एक शासक व संत पीपा किस स्थान से संबंधित है? तो पीपा का संबंध भी गागरोन से ही है। देखिए, गागरोन से संबंधित कितने सवाल है, वो एक ही पेपर में एक ही बार पूछ लिए गए। शेख हमीदुद्दीन मीठे महाबली की दरगाह गागरोन में, जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण गागरोन, और संत पीपा जी कहाँ से संबंधित थे? गागरोन थे, गागरोन से। ये गागरोन में प्रताप सिंह के नाम से शासक हुआ करते थे, और उसके बाद में इन्होंने संन्यास लिया और संत बन गए थे, ठीक है। संत पीपा जी दर्जी समुदाय के आराध्य देव हैं, ठीक है, दर्जी समुदाय। नेक्स्ट है, श्रृंगार चौरी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो श्रृंगार चौरी क्या है? तो श्रृंगार चौरी एक धार्मिक स्थल है, श्राइन बिल्ट बाय भंडारी वेल का, यानी कि धार्मिक स्थल जिसे भंडारी वेल का ने 1448-49 में बनवाया था। इसमें चार नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में आयोजित होता है? तो सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला 12 जिले में आयोजित होता है, इसे शहरियों का कुंभ कहा जाता है, शहरियों का कुंभ किसे कहा जाता है? सीताबाड़ी के मेले को कहा जाता है, जो कि 12 में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, रानी जी की बावड़ी का निर्माण के द्वारा सन में राजा के शासनकाल में करवाया था। तो रानी जी की बावड़ी से संबंधित हर एग्जाम में लगभग लगभग आपको क्वेश्चन मिल जाता है। ये कहाँ पर स्थित है, इसका निर्माण किसने करवाया, निर्माण कब करवाया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो रानी जी की बावड़ी, इसका निर्माण यहाँ पर जो दे रखा है ये बिल्कुल ही गलत है, किसी में इसका सही उत्तर नहीं है, इसलिए इसको बोर्ड के द्वारा इस प्रश्न को डिलीट किया गया था। तो मैं आपको बता देता हूं, रानी जी की बावड़ी का निर्माण रानी नाथावती के द्वारा सन 1699 में करवाया गया। राजा थे अनिरुद्ध सिंह। अनिरुद्ध सिंह के शासनकाल में अनिरुद्ध सिंह की रानी नाथावती ने 1699 में रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया। इतना हमने देख लिया तो ये भी पता होना चाहिए कि रानी जी की बावड़ी आखिर है किस जिले में। तो ये आपकी बावड़ी है, ये बूंदी में स्थित है। रानी जी की बावड़ी कहाँ है? बूंदी में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चैम्बर ऑफ प्रिंसेज का प्रथम चांसलर कौन था? चैम्बर ऑफ प्रिंसेज, जिसे नरेंद्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है, कौन सा मंडल? नरेंद्र मंडल।
इसकी स्थापना कब होती है, कौन करते हैं? महाराजा गंगा सिंह 1921 में। महाराजा गंगा सिंह वही महाराजा गंगा सिंह है जिन्हें राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है, और राजस्थान की पहली नहर जिसे गंग नहर के नाम से जाना जाता है, इस नहर को राजस्थान में लाने का श्रेय भी महाराजा गंगा सिंह को ही जाता है। ठीक है, इन्होंने जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस गोलमेज सम्मेलन में भी महाराजा गंगा सिंह ने राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था। ये बीकानेर के शासक थे। ठीक है, तो यहाँ पर चैम्बर ऑफ प्रिंसेज का प्रथम चांसलर भी गंगा सिंह को बनाया था। राइट आंसर नंबर 4। नेक्स्ट है, मेवाड़ में अंग्रेजों के मध्य संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस सवाल को बोर्ड के द्वारा डिलीट किया गया है, क्योंकि इस विकल्प में जितने भी जो ऑप्शंस दे रखे हैं, जितनी डेट दे रखी है, वो बिल्कुल भी इनसे मैच नहीं हो रही है। अगर मेवाड़ और अंग्रेजों के मध्य की संधियों की बात करें, तो 1718-17 की जो संधियां थी, जिसमें बातचीत करने वाला अंग्रेज अधिकारी था चार्ल्स मेटकॉफ। काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है कि 1718 की जो सहायक संधियां हैं, ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है, मैं आपको बता देता हूं। यहां पर आपका जो सिलेबस है, और आप देख पा रहे होंगे कि राजस्थान की रियासतें एवं ब्रिटिश संधियां, तो राजस्थान की जो रियासतें हैं और ब्रिटिश संधियां हैं, उसी से रिलेट करके आपसे ये सवाल पूछा गया है। तो मेवाड़ में अंग्रेजों के मध्य संधि पर हस्ताक्षर जो हुए थे, वो आपके हुए थे 13 जनवरी 1818 को। अब हस्ताक्षर करने वाला अंग्रेज अधिकारी, जो बातचीत करने वाला अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम क्या था? मैंने आपको अभी बताया, चार्ल्स मेटकॉफ। और मेवाड़ की ओर से किसने हस्ताक्षर किए थे? तो ठाकुर अजीत सिंह ने। उस समय शासक कौन थे? महाराणा भीम सिंह। तो यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि 1817-18 की सहायक संधियों के दौरान अंग्रेजों से संधि पर हस्ताक्षर करने के दौरान, या हस्ताक्षर करने वाले मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तो मेवाड़ के महाराणा तो भीम सिंह थे, लेकिन हस्ताक्षर जो किए थे वो ठाकुर अजीत सिंह ने किए थे। ये बात आपको अच्छे से ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, तो मेवाड़ के महाराणा संधियों के समय कौन थे? भीम सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ थे। अब यहाँ पर इस संधि की जो ऑफिशियल रूप से पुष्टि है, वो आपकी वॉरेन हेस्टिंग करता है 22 जनवरी को। 22 जनवरी 1818 को हेस्टिंग ने इस संधि की है वो पुष्टि की थी। तो संधि पर हस्ताक्षर तो आपके हो गए थे 13 जनवरी 1818 को, 22 जनवरी 1818 को इस पर पुष्टि की गई थी। भरतपुर व अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधियां की। तो देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया था 1800-1803 और 1804 के आसपास में, और इस आंग्ल, आंग्ल का मतलब होता है ब्रिटिशर्स, इंग्लिश मैन। ठीक है, और मराठा यानी कि मराठा आप जानते ही हैं। ठीक है, जिन्होंने राजस्थान में तहलका मचा रखा था मुगल साम्राज्य के पतन के बाद। तो इन्होंने, अंग्रेजों ने मराठों के साथ में कई युद्ध लड़े, और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों की विजय होती है, और मराठों का पुनः प्रशय राजस्थान में ना हो, पुनः मराठे ना पनपे, इसके लिए इन्होंने क्या किया कि राजस्थान के जितने भी शासक थे उसके साथ में अलायंस करना शुरू कर दिया, संधियां करनी शुरू कर दी कि आप हमारे साथ में संधियां कर लो, आपको किसी भी प्रकार से मराठों से लूटमार है वो नहीं होगी, हम आपकी निश्चित तौर पर सैनिक सहायता आपको प्रदान करेंगे, आपको हम व्यापार तो करेंगे ही, साथ ही साथ सेना भी आपको प्रदान करेंगे, ताकि आप मौज मस्ती से रहें, आपको किसी भी प्रकार के आक्रमण की आवश्यकता या आक्रमण का भय आपको ना हो। तो राजपूत राजाओं ने अंग्रेजों के साथ में संधियां शुरू कर दी। अब संधियों का दौर शुरू हुआ, तो सबसे पहले आपकी 1803 के समय की अगर बात करें, तो सबसे पहले भरतपुर और अलवर राज्यों ने संधि की। सितंबर में भरतपुर ने, और आपकी नवंबर 1803 में अलवर राज्य ने 1803 के समय में ये संधियां की। ये संधियां इतने प्रभावी नहीं थी, उसके बाद में
1800 जो 1718 है, इसकी संध्या की चार्ल्स मेटकॉक के नेतृत्व में। ठीक है, अब आपसे काफी बार सवाल पूछा जाता है 1817-18 की संधियों के बारे में। कौन से रियासत के शासक कौन थे, या 1817-18 की संध्या करने वाला सर्वप्रथम शासक कौन था, सर्वप्रथम राज्य कौन था? तो ये कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। निश्चित तौर पर आपके लैब असिस्टेंट के पेपर में एक सवाल यहाँ से पूछा जाएगा। देखिए, सबसे पहले 9 नवंबर 1817 में करौली का शासक था जिसका नाम है हरबख्श पाल सिंह। इन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ में संधि की, चार्ल्स मेटकॉक के साथ में सबसे पहले संधि करता है करौली का हरबख्श पाल 9 नवंबर 1817 में। ठीक ठीक है, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, आपको ध्यान में रखना है। के तो को चो को जो एक शब्द है मारवाड़ी में कि ओछोरो कतो को जो है, को जो का मतलब होता है बुरा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कतो को जो है, ओछोरो कतो को जो है, यहाँ पर कतो को जो, इससे आपके चार फैक्ट है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। यानी कि पहला संधि की के ने, के का मतलब हो गया क्या, करौली। कब की, 9 नवंबर 1817 को। दूसरी संधि की किसने, टोंक ने। कब की, 15 नवंबर 1817 को। तीसरी संधि की किसने, कोटा ने। कब की, 26 दिसंबर 1817 को। और चौथी की है जोधपुर ने, कब की थी, जनवरी 1818 को। इसके बाद में हमने अभी पढ़ा 13 जनवरी 1818 को उदयपुर ने संधि कर ली थी। तो ये संधियों का कालक्रम आप अच्छी तरीके से याद रखें, क्योंकि इसका सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है कभी कभार। आपको विकल्प में दे देंगे करौली, कोटा, टोंक और जोधपुर। इन जिलों को अंग्रेजों के साथ में संधियों के कालक्रम को सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के साथ में संधियों करने वाले रियासतों को सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो आप पहले तो कतो को जो लगा देंगे यहाँ पर, यानी कि के फॉर करौली, को फॉर कोटा, का फॉर कोटा, टो फॉर टोंक और जो फॉर जोधपुर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। अगला सवाल, मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना के द्वारा की गई। तो मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना होती है 24 अप्रैल 1938 को, किसके द्वारा, बलवंत सिंह मेहता के द्वारा। ये जो प्रजामंडल है, ये बलवंत सिंह मेहता इसके क्या बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं। ध्यान रहे, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने नहीं की थी, बल्कि बलवंत सिंह मेहता के द्वारा की गई थी। माणिक्यलाल वर्मा इस प्रजामंडल के महामंत्री चुने जाते हैं। महामंत्री माणिक्यलाल वर्मा, और एक व्यक्ति है भूरे लाल बयां, जो कि मेवाड़ प्रजामंडल के उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं। अब 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हो जाती है, और प्रजामंडल की स्थापना के बाद में इस प्रजामंडल से सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग जुड़ जाते हैं, जिससे स्थानीय मेवाड़ के जो शासक है वो चिंतित हो उठते हैं। और उसके बाद में मेवाड़ के शासक ने ये आदेश जारी किया, आदेश जारी करके मेवाड़ प्रजामंडल के जो सदस्य थे, उसके संस्थापक थे, उन सभी को मेवाड़ से निष्कासित कर दिया। और ये आदेश दिया था 11 मई 1938 को, भीषण गर्मी में निकाल दिया था मेवाड़ से कि जाइए, आप लोगों की मेवाड़ में आवश्यकता नहीं है। तो फिर क्या करते हैं, माणिक्यलाल वर्मा बेचारा इधर उधर भटकता हुआ महात्मा गांधी के पास में जाते हैं। महात्मा गांधी उस समय महाराष्ट्र के वर्धा में थे, तो वर्धा में महाराष्ट्र में महात्मा गांधी जी से मुलाकात करते हैं कि गांधी जी बताएं, हमें मेवाड़ में प्रजामंडल की हमने स्थापना की उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए, लेकिन हमें ही मेवाड़ से निष्कासित कर दिया, निकाल दिया है, अब हम क्या करें। तब गांधी जी कहते हैं कि आप अजमेर चले जाइए। तब गांधी जी की आज्ञा के अनुसार माणिक्यलाल वर्मा आते हैं अजमेर में,
और अजमेर में आकर मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय है वो खोलते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार सवाल भी पूछा गया था कि मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहाँ खोला गया है, तो अस्थायी कार्यालय अजमेर में खोला था किसने, माणिकलाल वर्मा ने। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ पर अस्थायी कार्यालय खोलकर इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम है मेवाड़ का वर्तमान शासन, और इस पुस्तक में मेवाड़ का जो शासन था उसकी कटु आलोचना की थी माणिकलाल वर्मा ने। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने डायर की कृत्य से दुगुनी विभत्स कांड बताया। डायर शाही, डायरिज्म डबल डिस्टर्ड की संज्ञा किसे दी गई है, या डायर से भी विभत्स किसने बताया है, तो ये आपकी नीमूचणा हत्याकांड जो कि 14 मई 14/5/25 को घटित हुई थी अलवर के नीमूचणा में। ठीक है, और इस घटना को महात्मा गांधी ने डायर, जो कि जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड किया था, उससे भी विभत्स है वो बताया था नीमूचणा कांड हत्याकांड को। और ध्यान में रखिए कि एक आपका मानगढ़ धाम हत्याकांड हुआ था उसे तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी, यानी कि राजस्थान का दूसरा जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो मानगढ़ धाम को कहा जाता है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड से या डायर के कृत्य से भी विभत्स जो गांधी जी ने बताया था वो नीमूचणा हत्याकांड को बताया था। ठीक है, इस हत्याकांड के दौरान भी लोगों को घेर कर गोलियों से भून दिया गया था। ठीक है, और इस समय जयपुर, सॉरी, नीमूचणा या अलवर के शासक कौन थे, जय सिंह। काफी महत्वपूर्ण है कि नीमूचणा हत्याकांड के समय अलवर के शासक कौन थे, जय सिंह आपको ध्यान में रखना है। डाबड़ा की जो घटना है 13 मार्च 1947 को होती है, बरड़ की घटना जून 1922 में बेंगू बरड़ आंदोलन, और चंद्रावल की घटना मार्च 1942 में होती है, तो ये चीजें भी आप घटनाएं और इनकी तिथियां हैं वो ध्यान में आपको रखना चाहिए। अगला सवाल, प्रसिद्ध एक ही आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो एक ही आंदोलन है उसका नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने किया था, जाड़ोल से एक ही आंदोलन इन्होंने शुरू किया था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो विकल्प दे रखा है गोविंद गिरी और सूर्यजी भगत ने मिलकर के भगत पंथ की स्थापना की और भगत आंदोलन चलाया। साधु सीताराम बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन जब 1897 में शुरू हुआ था तो इसका शुरुआती नेतृत्व तो साधु सीताराम दास के हाथों में ही था, और केसरी सिंह बारट राजस्थान के एक प्रसिद्ध साहित्यकार लेखक भी है, और राजस्थान में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था उन आंदोलनों में भी इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और 1910 में इन्होंने वीर भारत सभा की भी स्थापना की थी। अगला सवाल, नव राजस्थान को राजधानी का मुद्दा हल करने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष थे। अब देखिए, राजस्थान के एकीकरण से संबंधित ये सवाल है, नव राजस्थान में राजधानी किसको बनाए। जब राजस्थान का इंटीग्रेशन हो रहा था, एकीकरण हो रहा था, तो एकीकरण करने वाले जैसे सरदार पटेल थे, वीपी मेनन, इसके अलावा भी ये जो प्रजामंडल आंदोलन विभिन्न प्रजामंडलों के सदस्य थे, संस्थापक अध्यक्ष सदस्य, तो ये लोग भी इस एकीकरण के दौरान विचार विमर्श कर रहे थे। तब एक मसला उठा कि किसको जयपुर की, सॉरी, किसको राजस्थान की राजधानी बनाए, और भी महत्वपूर्ण विभाग है वो कहाँ कहाँ किसे दें, तो इस संबंध में एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी के अध्यक्ष बने थे B.R. पटेल और लेफ्टिनेंट कर्नल T.C. पुरी इनके सदस्य थे। वीपी मेनन की बात करें तो ये रियासती विभाग के सचिव रहे हैं, और शंकर राव देव, तो ये भी महत्वपूर्ण है, काफी मित्र इसको भी राइट आंसर कर देते हैं। तो शंकर राव देव समिति ये मत्स्य संघ से संबंधित है। ठीक है, आर के सिद्धावा प्रभुदयाल इसके सदस्य थे, और शंकर राव देव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, और इस समिति ने यह सिफारिश की कि मत्स्य संघ को राजस्थान में कैसे मिलाया जाए। अब मत्स्य संघ का 18 मार्च 1948 को गठन तो हो गया था, लेकिन वो एक अलग अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और नीमराणा, ये चार ठिकाने, ठीक है, चार रियासतें और एक ठिकाना मिलकर के मत्स्य संघ का निर्माण हो गया, लेकिन इसको राजस्थान में नहीं मिलाया गया।
और दूसरी दिलचस्प बात ये है कि धौलपुर का जो रियासत धौलपुर थी ये भी मत्स्य संघ में शामिल नहीं हो रही थी, तो मत्स्य संघ में धौलपुर को शामिल करने के लिए जनता में बहुमत करवाया गया। ये भी काम शंकर रावदेव समिति ने किया। और उसके बाद में 15 मई 1949 को जब मत्स्य संघ को राजस्थान में विलीन किया गया, तब भी शंकर रावदेव समिति की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को राजस्थान में मिलाया। तो यहाँ पर दो महत्वपूर्ण चीज हैं, अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि किसकी सिफारिश पर मत्स्य संघ को 15 मई 1949 को राजस्थान में मिलाया गया, तो ये है शंकर राव देव समिति। आपसे पूछा जाए कि किस समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी घोषित किया गया, तो पी सत्यनारायण राव समिति। पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी, हाईकोर्ट को जोधपुर को हाईकोर्ट दिया गया, खनिज विभाग और कस्टम विभाग उदयपुर को दिया गया, वन विभाग कोटा को दिया गया, कृषि विभाग भरतपुर को दिया गया, और आपका आरपीएससी अजमेर को दिया गया, और शिक्षा विभाग बीकानेर को दिया गया। इस प्रकार से अलग अलग जो मेन मेन डिपार्टमेंट है उनका विभाजन पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर किया गया था। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो मित्रों, आरएसएसबी के द्वारा 2016 में लैब असिस्टेंट का जो पेपर कंडक्ट करवाया था, इस पेपर में राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति, साहित्य परंपरा और विरासत से संबंधित ये जो 17 टॉपिक दे रखे हैं, इन टॉपिकों से आपसे 25 प्रश्न पूछे गए हैं जिनका हमने डिस्कस किया। और आगामी हमारा जो पेपर रहेगा वो 2018 वाला लैब असिस्टेंट का पेपर रहेगा, तो इस पेपर में भी इन्हीं टॉपिक से संबंधित किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं उनका हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये भी चीज बता दूं कि ये जो पेपर है, ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस के आधार पर ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड लगभग 90% एग्जाम है वो कंडक्ट करवाती है। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के प्रीवियस पेपर्स आपके एग्जाम में बहुत ही मददगार सिद्ध होते हैं। हमने दो मैराथन वीडियोज डाल रखे हैं, राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति और राजस्थान भूगोल का, तो उन वीडियोज को आप अवश्य देखिए। इसके अलावा बहुत ही अच्छी तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से आप अगर तैयारी करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इन्हीं प्रीवियस ईयर पेपरों के क्वेश्चन को शामिल करते हुए और किस प्रकार के नए प्रश्न बन सकते हैं उन संभावित प्रश्नों को देखते हुए एक 50 टॉपिकों का टेस्ट सीरीज हमारी मोबाइल एप्लीकेशन ओम डिजिटल स्टडी पर राजस्थान जीके 50 टॉपिक टेस्ट के नाम से टेस्ट सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो उस टेस्ट सीरीज का हिस्सा आप बन सकते हैं जिससे राजस्थान का सामान्य ज्ञान टॉपिक वाइज बहुत ही अच्छी तरीके से आप उसको प्रैक्टिस कर पाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का आप डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देख पाएंगे। तो ये काम अगर आपको राजस्थान सामान्य ज्ञान बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार करना है तो आपको अवश्य करना चाहिए, ठीक है। तो आइए अब हम नेक्स्ट पेपर का डिस्कस करते हैं। राजस्थान भूगोल के जो प्रश्न है उसका डिस्कस हम बाद में करेंगे। तो चलिए अब लैब असिस्टेंट एग्जाम 2018 के पेपर का डिस्कस करते हैं। राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण करते हैं। राजस्थान के संत संप्रदाय से संबंधित पहला प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा युग में सुमेलित कीजिए, इनको सुमेलित करना है। जसनाथ जी, शीतला माता, जाम्बू जी और जीण माता, तो इनका प्रमुख जो स्थान है वो कहाँ पर है, इनको आपको सही से सुमेलित करना है। तो देखिए, जसनाथ जी का महत्वपूर्ण जो धार्मिक स्थल है वो कतरिया सर बीकानेर में है, ए में 4 हो जाएगा। तो अब अगर हमें एक ही विकल्प में जसनाथ जी के बारे में अच्छे से पता है तो इस सवाल का जवाब हम दे सकते हैं। तो देखिए, ए में 4 केवल और केवल एक नंबर विकल्प में है, तो फाइनली इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। जसनाथ जी, इन्होंने कतरियासर बीकानेर में जसनाथी जो संप्रदाय है इसकी स्थापना की, और इन्होंने अपने संप्रदाय में जो 36 नियम है उनका प्रतिपादन किया था। इन्होंने जो उपदेश अपने दिए थे वो सिंबु दड़ा और कोडो नामक ग्रंथों में संकलित हैं। शीतला माता की बात करें तो इसे चेचक की देवी के रूप में मान्यता प्राप्त है। चाकसू जयपुर में इनका मेला आयोजित होता है, सील की डोंगरी में। जाम्बू जी
इन्होंने बिश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया और 29 जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स हैं, उनका प्रतिपादन किया। इनका जो समाधि स्थल है वो मुकाम नोखा बीकानेर में है। इसके अलावा समराथन में इन्होंने 1485 में बिश्नोई धर्म का प्रवर्तन किया था। और इसके अलावा लालासर में इनका देहावसान हुआ था, तो ये भी गुरु जाम्बू जी से संबंधित महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। जीण माता की बात करें तो सीकर के हरेवासा में जीण माता का प्रमुख रूप से मेला लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो राइट आंसर है इसका विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। तो कूट वाले प्रश्नों को देखकर आपको घबराना कतई नहीं है। एक हम मैच करते हैं अच्छे से, अगर उसे सही आंसर मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट स्टेप की ओर हमें बढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? नाथद्वारा, उदयपुर, जोधपुर, बूंदी। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, गुलाबी गणगौर कब मनाई जाती है? ठीक है, तो देखिए गुलाबी गणगौर ये आपकी नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। नाथद्वारा राजसमंद में है, यहाँ पर श्रीनाथ जी का प्रमुख मंदिर है, मेला भी भरता है। और गुलाबी गणगौर कही जाने वाली जो गणगौर है ये आपकी नाथद्वारा में मनाई जाती है। ये भी प्रश्न आपसे घुमा फिरा कर पूछा जाता है कई बार कि गुलाबी गणगौर कब मनाई जाती है, तो आपको तिथि ध्यान में रखना है चैत्र शुक्ल पंचमी। अगर सीधे तौर पर पूछा जाए कि गणगौर किस महीने में आता है, तो ये चैत्र के महीने में आता है। दूसरा एक सवाल ये भी पूछा गया था कि गणगौर का त्योहार कितने दिनों तक चलता है, तो गणगौर का त्योहार है ये आपका 18 दिनों तक चलता है। 18 कब से कब तक, तो चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से लेकर के चैत्र प्रतिपदा से लेकर के चैत्र शुक्ल तृतीया तक। चैत्र प्रतिपदा का मतलब है कृष्ण पक्ष का चैत्र महीने का पहला दिन। ठीक है, इससे लगा करके यानी कि कृष्ण पक्ष में कुल 15 दिन होते हैं और 15 ही दिन शुक्ल पक्ष के होते हैं। तो शुरुआती 15 जो दिन है अमावस्या तक, ये आपके कृष्ण पक्ष वाले हो गए 15, और चैत्र शुक्ला एकम द्वितीय और तृतीया तक यानी कि 3, ये हो गए 15 और 3, 18 दिनों तक आपकी ये जो गणगौर का त्योहार है ये मनाया जाता है राजस्थान में बड़े धूमधाम से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और एक है सिंजारा पर्व, ये भी एक सवाल पूछा गया था। सिंजारा या सिंजारा कहा जाता है इसे, तो सिंजारा पर्व का आयोजन कब होता है, तो यही इसी गणगौर का ही एक पार्ट है। गणगौर के 16वें दिन सिंजारा का आयोजन है वो किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से। नेक्स्ट, संत पीर शाह अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की? राजस्थान के जो नृत्य है, लोक नाट्य है, ये आपके पाठ्यक्रम में दे रखे हैं और इसी से संबंधित ये सवाल आपसे पूछा गया है कि आज से लगभग 400 साल पहले मेवाड़ में एक ख्याल की रचना की गई थी जिसका नाम है क्या, तुर्रा कलंगी ख्याल। अब ये प्रश्न रिवर्स इस प्रकार से पूछा जाता है कि तुर्रा कलंगी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे, या फिर ये ख्याल है ये कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये मेवाड़ का प्रसिद्ध है और इसके प्रवर्तक थे संत पीर शाह अली और तुकनगी। ठीक है, तुर्रा और कलंगी यानी कि इसमें भी शिव और पार्वती, तुल्ला तुर्रा है ये शिव के प्रतीक के रूप में और कलंगी के प्रतीक के रूप में पार्वती। और इस प्रकार से इस ख्याल का आयोजन है वो मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है, जो कि आज से लगभग 400 साल पहले प्रचलित था और अब भी ये प्रचलन में है। इसके प्रवर्तक आप ध्यान में रखिए संत पीर शाह अली और तुकनगीर। नेक्स्ट, कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सही सुमेलित है? राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल। इस प्रकार से आपका राजस्थान इतिहास कला संस्कृति में टॉपिक महत्वपूर्ण दिया हुआ है, उसी से संबंधित ये प्रश्न आपसे यहाँ पर पुटअप किया है। तो देखिए राजस्थान का जो मंदिर है, एकलिंग जी का मंदिर माउंट आबू में दे रखा है, तो ये तो सुमेलित नहीं है। सूर्य मंदिर उदयपुर, ये भी सुमेलित नहीं है। देलवाड़ा मंदिर ओसिया, ये भी नहीं है। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है, ये बिल्कुल सही है। करणी माता का मंदिर आपका बीकानेर के देशनोक में है और ये मंदिर है ये चूहों के लिए प्रसिद्ध है। करणी माता को चूहों वाली देवी भी कहते हैं और इनके जो सफेद चूहे हैं उसे क्या कहा जाता है,
काबा कहा जाता है, जो कि करणी माता के प्रतीक के रूप में देखे जाते हैं। अब बात करते हैं इन तीनों विकल्पों की कि ये मंदिर कहाँ पर है, क्योंकि घुमा फिरा कर ये सवाल आपसे आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो एकलिंग जी का मंदिर है, ये आपके उदयपुर में स्थित है, ना कि माउंट आबू में, ठीक है। सूर्य मंदिर, तो राजस्थान का एक प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है, जो कि कहाँ पर है, झालरा पाटन में है। झालरा पाटन झालावाड़ में राजस्थान का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है, जिसे सप्तरत सूर्य मंदिर, पद्मनाभ सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है कि सप्तरत सूर्य मंदिर कहाँ है, पद्मनाभ सूर्य मंदिर कहाँ है, तो ये आपका झालरा पाटन झालावाड़ में है। और एक है बूढ़ा दीत का सूर्य मंदिर, बूढ़ा दीत का सूर्य मंदिर आपका कोटा जिले में स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देलवाड़ा का जो मंदिर है, ये जैनों के प्रमुख मंदिर है, देलवाड़ा माउंट आबू सिरोही में स्थित है, ठीक है। देलवाड़ा का कहाँ है, माउंट आबू सिरोही में, एकलिंग जी का उदयपुर में, और ओसिया में आपका सच्याई माता का प्रसिद्ध मंदिर है, ओसिया जोधपुर में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहां का मुख्यमंत्री कौन था। तो राजस्थान में जो अजमेर है, इस अजमेर का विलय कब होता है, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान एकीकरण का जो अंतिम चरण है उसी के तहत राजस्थान अजमेर है, ये राजस्थान में मिलता है। अजमेर एकीकरण के दौरान राजस्थान की एक चीफ शिप थी, चीफ कमिश्नर था, जिस प्रकार से वर्तमान में जो केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक उसी प्रकार से अजमेर को वहां पर अधिकार है, वो सौंप रखे थे। तो उस समय विलय के समय अजमेर के जो चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे, वो आपके थे हरिभाऊ उपाध्याय, ठीक है। हरिभाऊ उपाध्याय को दास साहब के नाम से भी जाना जाता है। और जब राजस्थान का विलय हो रहा था, राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, तो उस समय ये अजमेर के मुख्यमंत्री थे, और ये अजमेर को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में रखना चाहते थे। ये नहीं चाहते थे कि अजमेर का राजस्थान में विलय हो, लेकिन सरदार पटेल जैसे कई महत्वपूर्ण नेताओं की सूझबूझ के चलते अजमेर को ही अंततः राजस्थान के में शामिल किया गया, ठीक है। तो हरिभाऊ उपाध्याय के बारे में आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि इन्होंने एक गांधी आश्रम की स्थापना की थी अजमेर के हटुंडी नामक स्थान पर, ठीक है। एक दो बार सवाल पूछा गया है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। अजमेर के हटुंडी में गांधी आश्रम की स्थापना हरिभाऊ उपाध्याय ने की। इसके अलावा महिला शिक्षा सदन की स्थापना भी हरिभाऊ उपाध्याय ने की थी। और एक सवाल आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हरिभाऊ उपाध्याय ने एक प्रसिद्ध न्यूज़पेपर का संपादन भी किया था, उस न्यूज़पेपर का नाम आपको कमेंट सेक्शन में जवाब में लिखना है, आप निश्चित तौर पर उसका जवाब है वो देंगे। इसके अलावा हरिविलास शारदा के बारे में बात करें, तो इन्होंने 1929 को शारदा एक्ट प्रस्तुत किया था, जिसमें बाल विवाह के संबंध में काफी इन्होंने प्रावधान किए थे, ठीक है। और बाल विवाह की जो उम्र है वो इन्हीं शारदा एक्ट के माध्यम से निर्धारित की थी, ठीक है। बाल विवाह निषेध अधिनियम है, इन्होंने बनवाया था शारदा, हरिविलास शारदा जी ने। हीरालाल शास्त्री की बात करें, तो हीरालाल शास्त्री आपको 1942 में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्रीमेंट हुआ था, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य, ये आपके जयपुर प्रजामंडल से संबंध रखते हैं, ठीक है। ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, हीरालाल शास्त्री जयपुर प्रजामंडल। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे हम। कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था अली बेग, कुशाल सिंह, जयदयाल और हीरालाल। तो देखिए 1857 का जो विद्रोह है वो भारत में 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी से होता है, और 28 मई 1857 को राजस्थान की नसीराबाद छावनी से 1857 के विद्रोह की राजस्थान में शुरुआत होती है। तो राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें सबसे जो ज्यादा भयंकर क्रांति का जो रूप धारण किया था वो आपके कोटा राज्य की क्रांति रही थी। और कोटा में उस समय विद्रोही जो नेता थे वो एक का नाम जयदयाल और एक का नाम था मेराब खान। बहुत बार ये सवाल परीक्षा में पूछा जाता है, जयदयाल और मेराब खान। और एक बार ये भी पूछा गया था कि जयदयाल का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, यानी कि इनका जन्म कहाँ हुआ। तो
तो इन्होंने अपनी कर्म भूमि तो बनाया था कोटा में, 1857 की क्रांति के रूप में इन्होंने कोटा को चुना था, लेकिन जयदयाल का जन्म है ये आपका भरतपुर के कामा में हुआ था, कामा भरतपुर, और मेहराब खान का जन्म है ये आपका करौली रियासत में हुआ था, ठीक है। तो मेहराब खान करौली और जयदयाल है ये भरतपुर। अब यहाँ पर देखिए कुशाल सिंह चंपावत की बात करें तो ये आपके आउवा के ठाकुर थे, कुशाल सिंह चंपावत, ठीक है। और मोहम्मद अली जो बेग है ये नीमच में इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था, नीमच मध्य प्रदेश में वर्तमान में अवस्थित है, लेकिन उस समय राजस्थान की एक सैनिक छावनी हुआ करती थी, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। वीर सतसई बल्लभ बलवंत विलास और राम रंजाट के लेखक हैं श्यामलदास, सूर्यमल मिश्रण, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा या जगदीश सिंह गहलोत। तो देखिए यही सवाल आपसे बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, और इसके आसपास जो विकल्पों में दे रहे होते हैं, हमने प्रीवियस जो अभी पेपर डिस्कस किया था उसमें सवाल पूछा था वीर विनोद के श्यामलदास के संबंध में, और वो अब ऑप्शन में दे दिया, और उस समय जो ऑप्शंस में दे रखे थे सूर्यमल मिश्रण, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा इत्यादि, ठीक है। तो ये चीजें जो विकल्पों वाली भी मैं आपको बता रहा हूँ वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, उनसे संबंधित ही बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, और वो चीज जो महत्वपूर्ण होती है, जो कंफ्यूज करने वाली होती है, वही आपको ऑप्शंस में भी दी हुई होती है। तो देखिए ये जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, एक और आप नाम लिख दीजिए, वंश भास्कर। वंश भास्कर, वीर सतसई, बलवंत विलास और राम रंजाट। इसके अलावा छंद म्यूक भी है, ये आपकी बूंदी की राजकीय कवि सूर्यमल मिश्रण की प्रमुख रचनाएं हैं। सूर्यमल मिश्रण कहाँ के राजकीय कवि थे, ये बूंदी की राजकीय कवि थे, बूंदी का शासक था उस समय राम सिंह, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। राम सिंह का दरबारी कवि था सूर्यमल मिश्रण। वंश भास्कर के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि वंश भास्कर है ये आपकी डिंगल भाषा में लिखी गई रचना है, डिंगल भाषा में लिखा गया महाकाव्य है वंश भास्कर। वीर सतसई के बारे में, वीर सतसई जो लिखी गई है इसकी जो पृष्ठभूमि रही है वो 1857 की क्रांति बताई जा रही है, ये वीर रथ से ओतप्रेत रचनाएं हैं वीर सतसई। इसके अलावा देखिए श्यामलदास के बारे में हमने पिछले जो 2016 का लेब असिस्टेंट का पेपर था उसमें डिस्कस किया था कि श्यामलदास ने वीर विनोद की रचना की, और वीर विनोद आपका 5 जिल्दों में, 5 पार्टों में डिवाइडेड है, ठीक है। और इसके अंतिम पार्ट में मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह तक का इतिहास है वो वर्णित है, और पहले पार्ट में राजस्थान, सॉरी भारत और अन्य एशियाई और यूरोपीय देशों के भौगोलिक क्षेत्रों का विवरण दिया गया है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा प्राचीन भारतीय लिपि माला की इन्होंने रचना की, सिरोही का इतिहास, जोधपुर का इतिहास, मेवाड़ का इतिहास, इस प्रकार से राजपूताना के विभिन्न रियासतों का इन्होंने इतिहास है वो लिखा था, और जगदीश सिंह गहलोत भी राजस्थान के एक प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं। नेक्स्ट सवाल, बागोर जो कि भीलवाड़ा में स्थित है, यह भीलवाड़ा में किस नदी के कंठे पर स्थित है। तो बागोर एक पुरातात्विक सभ्यता है, प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है, और ये आपकी कोठारी नदी के कांठे पर स्थित है। कौन सी नदी? कोठारी नदी। और बागोर के संबंध में आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ से पशुपालन, पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य है ये हमें बागोर भीलवाड़ा से प्राप्त होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मेनाल में सुहवेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ, अपरागंगे, पृथ्वीराज द्वितीय और विग्रहराज तृतीय। ये भी बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया है। मेनाल जो कि भीलवाड़ा में स्थित है, और यहाँ पर एक शिवजी का मंदिर है जिसे सुहेश्वर शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण है वो चौहान के कौन से शासक ने करवाया था? तो ये जो चौहानों के नाम दे रखे हैं इनमें पृथ्वीराज द्वितीय ने मेनाल में सुहेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया। तो पिछले पेपर में इन्हीं चौहान शासकों को सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित करने से संबंधित सवाल पूछा गया था, और अब इसमें से इस प्रकार से सवाल पूछा है, तो आपको ध्यान में रखना है कि सुहेश्वर शिव मंदिर कहाँ है? मेनाल भीलवाड़ा में है। इसका निर्माण चौहान शासक पृथ्वीराज द्वितीय ने करवाया था, और हमारे बीच में जो पृथ्वीराज तृतीय है वो काफी महत्वपूर्ण है, काफी बार सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। तो देखिए ये जो चौहान शासक है
इनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करवाया भी जा सकता है, तो ध्यान में रखिए। और इस प्रकार से चौहान शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करने से संबंधित प्रश्न काफी बार रिपीट भी हुए हैं। तो पहले आप क्या करेंगे, विग्रहराज तृतीय इनको लेंगे एक नंबर पर। अगर आपसे इनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करवाए जाए तो विग्रहराज तृतीय पहले, उसके बाद में विग्रहराज चतुर्थ को चुनेंगे, उसके बाद में आप अपरागंगे को, फिर पृथ्वीराज द्वितीय को चार नंबर पर। इसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए तो ये आ जाएगा सोमेश्वर, और उसके बाद में आ जाएगा पृथ्वीराज तृतीय यानी कि राय पिथोरा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है वो सी, आप सही माने। नेक्स्ट है, कौन सा मंडोर के प्रत्यारों के इतिहास की जानकारी देता है? प्रतिहार राजवंश से संबंधित भी सवाल काफी बार पूछे जाते हैं और स्टैंडर्ड लेवल के सवाल होते हैं। तो राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत से संबंधित इस सवाल को आप रिलेट कर सकते हैं। मंडोर के जो प्रत्यार हैं, इसके इतिहास की जानकारी हमें जोधपुर से गठियाला शिलालेख या गठियाला अभिलेख से मिलती है। और ये जो शिलालेख हैं, इन शिलालेखों से संबंधित इस प्रकार से भी काफी बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि पर्टिकुलर शिलालेख किस सन से प्राप्त हुए थे, यानी कि उसकी प्राप्त होने की तिथि क्या थी। दूसरी, शिलालेखों से संबंधित यह सवाल पूछा जाता है कि पर्टिकुलर शिलालेख में किसकी जानकारी मिलती है। और तीसरा सवाल इस प्रकार से पूछा जाता है कि पर्टिकुलर जो शिलालेख है, अभिलेख है, वो कौन से स्थान से संबंधित है, कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो दो तीन टाइप के सवाल है आपसे घूम फिर कर पूछे जाएंगे, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो गठियाला अभिलेख की बारे में बात करें तो गठियाला अभिलेख 861 ईस्वी में आपका गठियाला जोधपुर से प्राप्त हुआ है। और इसके उत्कीर्णकर्ता कौन थे? कक्कुक, कक्कुक बाउक इत्यादि प्रत्यार जो शासक हुए हैं, कक्कुक ने इस अभिलेख को उत्कीर्ण करवाया। और इस अभिलेख में जो महत्वपूर्ण बातें हैं, की फैक्टर हैं, वो मैं एक आपको बता देता हूँ। इसमें मग जाति का ब्राह्मण है, सॉरी मग जाति का इसमें वर्णन है। मग जाति को शाकद्वीपीय ब्राह्मण बताया गया है। कौन सा ब्राह्मण? शाकद्वीपीय ब्राह्मण मग जाति को। और एक आपको ध्यान में होगा कि बिजोलिया शिलालेख है जिसमें वत्स गोत्रीय ब्राह्मण के बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन गठियाला अभिलेख में शाकद्वीपीय मग जाति के ब्राह्मणों का वर्णन है, 861 ईस्वी से प्राप्त हुआ। और इसमें एक बात और महत्वपूर्ण है कि ये जो मंडोर के प्रत्यार है, इसी मंडोर के प्रत्यार में एक प्रत्यार शासक हुआ था नागभट्ट, नागभट्ट प्रथम। और इसी नागभट्ट प्रथम ने अपनी जो राजधानी है ये मंडोर से कहाँ पर ट्रांसफर की थी? मेड़ता। तो नागभट्ट प्रथम के द्वारा मंडोर से अपनी जो राजधानी है वो मेड़ता को स्थानांतरित की गई थी। और उसका वर्णन भी आपका किस अभिलेख में मिलता है? गठियाला अभिलेख में मिलता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा गठियाला अभिलेख के बारे में आप और अगर जानकारी लें तो इसमें हरिश्चंद्र के बारे में जानकारी मिलती है। हरिश्चंद्र यानी कि प्रत्यारों का आदि पुरुष माना जाता है, इसे रोहिल्लिद्धि कहा गया है इस अभिलेख में। ठीक है, इसके अलावा सामोली के अभिलेख की बात करें तो ये आपका मेवाड़ से प्राप्त हुआ है, सामोली का अभिलेख। और अर्थुणा है ये बांसवाड़ा का है। तो गठियाला अभिलेख के बारे में ऑल ओवर आपको इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है कि गठियाला अभिलेख 861 ईस्वी का है, जोधपुर से प्राप्त हुआ है, इसके उत्कीर्णकर्ता कक्कुक हैं, इसमें मग जाति के शाकद्वीपीय ब्राह्मणों का वर्णन मिलता है, और नागभट्ट प्रथम के द्वारा अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित करने का भी इसमें वर्णन मिलता है, और इसके आदि पुरुष हरिश्चंद्र हुए थे जिन्होंने अपनी राजधानी है सॉरी जिन्होंने जिनके कुछ पुत्रों भद्रा और इस प्रकार की जो रानियां हैं उनका नाम मिलता है, और उन्हीं रानियों से आगे जाकर आपके इस प्रत्यारों की है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ने लगी, उससे ही इसकी उत्पत्ति है वो बताई गई है। और हरिश्चंद्र का नाम दिया गया है रोहिलिद्धि, रोहिलिद्धि। ठीक है, तो इस प्रकार से वर्तमान में थोड़ा सा पैटर्न इस एग्जाम का बदला है। अब जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस प्रकार से पूछे जाएंगे कि गठियाला अभिलेख के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस प्रकार से आपसे दो चार महत्वपूर्ण जो की पॉइंट है वो दे दिए जाएंगे और सवाल पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, कौन से शासक ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए? आमेर के बारमल, जैसलमेर के राव हरराय, रणथंबोर के राव सूर्जनहाड़ा और बीकानेर के राव कल्याणमल।
तो देखिए, अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले राजपूताना के प्रथम जो शासक हुए थे वो आमेर का बारमल हुआ था। दूसरा, अगर बात करें तो उसके बाद में मारवाड़ का मोटा राजा उदय सिंह, बीकानेर का राव कल्याणमल, जैसलमेर का राव हरराय, इन सभी ने अकबर के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए, अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन मारवाड़ का राव चंद्रसेन, मेवाड़ का राणा प्रताप, इन्होंने कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की। साथ ही साथ रणथंभौर के एक शासक हुए थे सुरजनहाड़ा, इन्होंने भी अकबर के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए, और इसी की वजह से अकबर ने रणथंभौर पर आक्रमण करता है। और जो मानसिंह था, सवाई मानसिंह, जिसे अकबर ने फर्जंद की उपाधि दी, 7,000 का मनसब प्रदान किया, इसी आमेर के मानसिंह ने अपना जो पहला जो अभियान है वो चलाया था रणथंभौर के राव सुरजनहाड़ा पर। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट सवाल है कि मानसिंह, आमेर का जो मानसिंह कछवाहा है, मानसिंह ने अपना प्रथम जो अभिलेख है सैन्य अभियान किसके विरुद्ध चलाया था, तो रणथंभौर के राव सुरजनहाड़ा के विरुद्ध चलाया था, जिसमें मानसिंह को विजय है वो प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है, हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या था? तो हवा महल, इसकी 953 खिड़कियां हैं, जाली झरोखे हैं। सवाई प्रताप सिंह ने, जयपुर के सवाई प्रताप सिंह ने 1699 में हवा महल के ऐतिहासिक इस स्मारक का है वो निर्माण करवाया था। और इस हवा महल की जो आकृति है वो मुकुट की भांति है, और इसकी 5 मंजिलें बनी हुई है, ये 5 फ्लोर वाला है। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट जो फ्लोर है इसका जो नाम है वो क्या मिलता है? रत्न मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर और प्रताप मंदिर। तो जो इसका निर्माण चूंकि किसने करवाया था, प्रताप सिंह ने करवाया था, इसीलिए इसकी जो फर्स्ट फ्लोर है इसका नाम प्रताप सिंह ने अपने नाम पर ही रखा था, यानी कि प्रताप मंदिर। तो हवा महल की प्रथम मंजिल का नाम किसके नाम पर? प्रताप सिंह ने स्वयं के नाम पर रखा, और उसका नाम क्या था? प्रताप मंदिर। ठीक है, उसके बाद में जो आपकी हवा महल का जो सेकंड फ्लोर है, उस सेकंड फ्लोर की नाम की बात करें तो सेकंड फ्लोर का नाम इन्होंने रखा था रत्न मंदिर। 2 नंबर पर है रत्न मंदिर, 3 नंबर पर विचित्र मंदिर, ये 3 नंबर पर विचित्र मंदिर हो गया। 4 नंबर की बात करें तो ये प्रकाश मंदिर, और 5 नंबर का है आपका हवा मंदिर, यानी कि हवा महल। तो हवा ऊपर टॉप पर, 5 नंबर पर हवा, 1 नंबर पर किसने बनाया? तो सवाई प्रताप सिंह ने बनाया, इसलिए प्रताप मंदिर। तो लास्ट और फर्स्ट आपको ध्यान में आ गया, अब बीच वाले 3 ही तो याद करने रहे हैं। पहला प्रताप मंदिर, उसके बाद में रत्न मंदिर, उसके बाद में विचित्र। ठीक है, प्रताप, रवि, रत्न और विचित्र, उसके बाद में आप ध्यान में रखेंगे प्रकाश और हवा मंदिर। ठीक है, तो ये हवा महल की 5 मंजिलें हैं। निर्माण किसने करवाया, किस आकृति का है, कहाँ पर स्थित है, ये तो आप सभी को पता होगा। और यूनेस्को यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया है। आप कमेंट करके बताइए कि जो जयपुर का हवा महल है इसे यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में कब सम्मिलित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन किस वर्ष में राजस्थान आया? यानी कि राजस्थान में जब अंग्रेजों का शासन था तो उस समय राजस्थान में अफीम की खेती भी होती थी और नील की खेती भी होती थी। अफीम जो ओपियम की खेती है ये मुख्य रूप से मेडिकल यूज के लिए होती थी, दवाइयां बनाने के लिए अफीम का यूज है वो होता था, और इसलिए राजस्थान में अफीम की खेती होती थी। लेकिन अफीम का जो यूज होना चाहिए, लीगल यूज होना चाहिए, वो यूज ना होकर के लोग इसे एक ड्रग्स के रूप में इसका यूज है वो करने लग गए थे। तो इसीलिए इसकी जांच करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक रॉयल कमीशन के नाम से एक कमीशन बनाया, और इन्होंने 1893 से लेकर के 1895 तक राजस्थान और अन्य भारतीय राज्यों की विजिटिंग की। इस कमीशन में टोटल 9 सदस्य थे,
जिसमें कि 7 तो ब्रिटिशर्स थे और 2 है वो भारतीय थे, ठीक है। तो 1893 में रॉयल कमीशन है ये आपका राजस्थान विजिट पर आता है। नेक्स्ट है बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो बेंगू जो किसान आंदोलन है, ठीक है, ये आपका रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में हुआ था। 1921 से लगा करके 1925 तक ये आंदोलन है आपका चला था, ठीक है, बेंगू किसान आंदोलन रामनारायण चौधरी। और इस किसान आंदोलन में 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसका नाम है रूपा जी और कृपा जी, ये इस किसान आंदोलन में शहीद हो गए थे। और इनकी जांच के लिए एक कमीशन, एक आयोग बिठाया गया था जिसका नाम है ट्रेंच कमीशन। तो मैं चीजें वही आपको बता रहा हूं जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा बार पूछी जाती है। तो इस किसान आंदोलन से ध्यान में रखिए, रामनारायण चौधरी इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। ये किसान आंदोलन बेंगू रियासत से संबंधित था, ठीक है। 1921 से 25 के मध्य आपका ये किसान आंदोलन होता है और इस आंदोलन में रूपा जी और कृपा जी है ये गोलीबारी से मारे जाते हैं। और इसकी जांच के लिए ट्रेंच कमीशन नामक एक कमीशन, एक आयोग का गठन है वो किया जाता है। अगर बात करें विजय सिंह पथिक की, तो इसका मूल नाम था भूप सिंह और विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है आपके विजय सिंह पथिक। हरिभा उपाध्याय के बारे में हमने बात की कि राजस्थान के जो एकीकरण हुआ था और एकीकरण के समय 1956 में जब अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था, अजमेर के राजस्थान विलय के समय राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर थे, अजमेर के मुख्यमंत्री थे, वो हरिभाऊ उपाध्याय थे, ये आपको ध्यान में रखना है। और इन्होंने महिला शिक्षा सदन और हाटुंडी में गांधी आश्रम की भी आपकी स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, राजस्थान सेवा संघ, भोगीलाल पंड्या, भूरेलाल बया और गोविंद गिरी। तो भगत आंदोलन है ये आपका गोविंद गिरी और एक नाम आता है सुरजी भगत। सुरजी भगत और गोविंद गिरी ने मेवाड़ में जो जनजातीय इलाके हैं वहां पर भगत आंदोलन प्रारंभ किया। और भगत आंदोलन के माध्यम से इन्होंने जो जनजाति लोग हैं, भील, मीणा, ग्रासिया इत्यादि जो लोग हैं, इनको नशे से छुटकारा पाने का प्रयास किया। साथ ही साथ मद्य मांस इत्यादि सेवन से बचने का है वो संकल्प है वो दिलवाया था। तो भगत आंदोलन गुरु गोविंद ने प्रारंभ किया था और इन्होंने एक सभा की स्थापना की जिसका नाम है संप सभा। संप सभा की स्थापना किसने की, गोविंद गिरी ने की थी। भोगीलाल पंड्या की बात करें तो भोगीलाल पंड्या को वांगड़ का गांधी कहा जाता है। राजस्थान सेवा संघ की बात करें तो राजस्थान सेवा संघ 1919 में इसका गठन हुआ था। रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकिर, विजय सिंह पथिक इत्यादि इस राजस्थान सेवा संघ में सम्मिलित थे। और भूरीलाल बया का संबंध मेवाड़ प्रजामंडल से है। मेवाड़ प्रजामंडल जो कि आपका 24 अप्रैल 1938 को गठित होता है, इसके उपाध्यक्ष है ये आपके भूरीलाल बया हैं, ये चुने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था। तो उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था, तो ये राज्य था आपका भरतपुर। भरतपुर चाहता था कि अगर जनमत प्राप्त हो जाए तो वो उत्तर प्रदेश में भी शामिल हो जाएगा, ठीक है। मत्स्य संघ आपका कब बना था, राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण था 18 मार्च 1948 को ये गठित हो गया था, लेकिन ये राजस्थान में सम्मिलित नहीं हुआ, अलग से अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और नीमराणा ये जो रियासतें और ठिकाने मिलकर के राजस्थान के मत्स्य संघ का निर्माण है वो कर दिया था, लेकिन ये राजस्थान में सम्मिलित नहीं हुए। और इसको राजस्थान में सम्मिलित करने के लिए मैंने आपको अभी बताया था पिछले जो पेपर में कि एक समिति का गठन किया था, उस समिति का नाम था शंकर राव देव समिति। और शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर ही राजस्थान में जनमत करवाया गया, जनता का बहुमत लिया गया और जनता का बहुमत राजस्थान में सम्मिलित करने को था। धौलपुर को भी राजस्थान में सम्मिलित किया गया शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर, ठीक है। तो ये आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर। और आपसे पूछा जाए कि मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ, तो मत्स्य संघ गठित तो हुआ था 18 मार्च 1948 को, लेकिन विलय हुआ था 15 मई 1949 को, ठीक है, राजस्थान एकीकरण के पंचम चरण में।
नेक्स्ट, मई 1947 को कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त करने के दौरान पुलिस की गोलीबारियों द्वारा भून दी गई, वह किस जिले की थी? तो कालीबाई भील कालीबाई, ये आपकी रास्तापाल से संबंधित थी, रास्तापाल डूंगरपुर, और ये भी एक रास्ता की पाल थी, रास्ता की संरक्षिका थी। ठीक है, जब इनके अध्यापक को घसीट करके अंग्रेज अधिकारी ट्रक के पीछे घसीट करके ले जा रहे थे, पाठशाला को बंद कर दिया था, तभी ये खेत में हंसिया लिए हुए हाथ में खड़ी थी, ठीक है, घास फूस काट रही थी। तो उसने इस प्रकार की गतिविधि को देखा तो इन्होंने अपने शिक्षक की जान बचाने के लिए वो ट्रक के आगे आ गई और ट्रक को रुकवाया, और अपने शिक्षक की है वो जान बचाने के लिए इन्होंने हंसिया से वो जो रस्सी है वो काटने लग गई थी, और जैसे ही वो हंसिया से रस्सी काटती है तो अंग्रेज अधिकारी गोलियों के द्वारा भील भाला कालीबाई को भी भून देते हैं। तो इस प्रकार की एक अध्यापक को मुक्त कराने के दौरान शहीद होने वाली राजस्थान की वीरांगना भील कालीबाई थी, जो कि रास्ता पाल के डूंगरपुर से संबंध रखती है। नेक्स्ट, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? तो पहले क्या होता था, अब तो गिरफ्तार होना एक आम बात हो गई है, लेकिन पहले महिलाओं का जेल जाना एक काफी लज्जा का विषय माना जाता था, ठीक है, और गिनी चुनी ही महिलाएं ऐसी होती थी जो बहादुरी के साथ में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करती हुई जेल भी जाती थी। ठीक है, तो उसमें राजस्थान की पहली ऐसी महिला अंजना देवी चौधरी हुई थी, जो रामनारायण चौधरी, हमने बेंगू किसान आंदोलन के बारे में चर्चा की, रामनारायण चौधरी, उन्होंने बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, और उन्हीं की धर्मपत्नी जिनका नाम है अंजना देवी चौधरी, ये राजस्थान की ऐसी महिला है जो कि रियासती जनता में सबसे पहले गिरफ्तार हुई थी, सबसे पहले इन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेते हुए अपनी गिरफ्तारी है वो दी थी, जेल गई थी। ठीक है, इसके अलावा भी विकल्प में बहुत महत्वपूर्ण दे रखे हैं चीजें, नाम दे रखे हैं। तो देखिए, नगेंद्र बाला, नगेंद्र बाला का संबंध कहाँ से है, कोटा से है, और ये राजस्थानी नहीं बल्कि भारत की पहली महिला राज प्रमुख नहीं, सॉरी, जिला प्रमुख, यानी कि भारत की पहली जिला प्रमुख, भारत की पहली महिला जिला प्रमुख कौन है, नगेंद्र बाला। रतन शास्त्री की बात करें तो रतन शास्त्री हीरालाल शास्त्री की धर्मपत्नी थी, और ये भी राजस्थान के जो स्वतंत्रता संघर्ष हुआ था इनमें कई बार है वो इन्हें भी जेल जाना पड़ा था। ठीक है, रतन शास्त्री जयपुर से। इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है कि इन्होंने एक वन स्थली की भी स्थापना की थी, वन स्थली विद्यापीठ की। इसके अलावा 1939 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का जो सत्याग्रह आंदोलन हुआ था उसमें भी इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया था, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत कार्यकर्ता और उनके परिवारों की इन्होंने सेवा की थी रतन शास्त्री ने। आपने एक किस्सा सुना होगा, मैं आपको कई बार जब प्रीवियस पेपर्स का डिस्कस करता हूँ तो बताता हूँ कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जब होता है तो जयपुर का हीरालाल शास्त्री है वो भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं लेता है, और जेंटल एग्रीमेंट नामक एक समझौता है वो कर लेता है जयपुर रियासत से मिर्जा इस्माइल के मध्य और हीरालाल शास्त्री के मध्य। लेकिन जो प्रजामंडल आंदोलन के अन्य सदस्य हैं जिसमें इनकी पत्नी भी शामिल थी रतन शास्त्री, तो ये इनकी विरोध करती है, यानी कि पति तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं लेता है, जेंटल एग्रीमेंट कर देता है, लेकिन रतन शास्त्री, बाबा हरिश्चंद्र, ऐसे कई नेता जिन्होंने इस जेंटलमैन एग्रीमेंट का विरोध किया था, और इन्होंने एक आजाद मोर्चा नामक अलग मोर्चा है वो संगठन है वो खोल दिया था। ठीक है, तो रतन शास्त्री ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था लेकिन हीरालाल शास्त्री ने हिस्सा नहीं लिया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। रमा देवी की बात करें तो रमा देवी भी बिजोलिया आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुई थी, ये भी आपकी जयपुर से ही संबंध रखती है, बिजोलिया के दौरान गिरफ्तार हुई। इसके अलावा महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह था, नमक सत्याग्रह, इसमें भी इन्होंने भाग लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसमें भी इन्होंने भाग लिया और जेल गई। ठीक है, तो ये रमा देवी पांडे के बारे में आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम जाएंगे।
इतिहास, कला, संस्कृति के कुल 25 सवाल है आपको मिलेंगे इस पेपर में। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस गढ़ को, यानी कि किस दुर्ग को धाराधार गढ़ के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका चौमुआगढ़ का दुर्ग है, चौमुआगढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये सवाल भी काफी रिपीटेड है। बाड़मेर का किला आपका हनुमानगढ़ में स्थित है, और ये ऐसा माना जाता है कि ये किला राजस्थान की सभी दुर्गों में लगभग सबसे प्राचीन दुर्ग है, बाड़मेर का किला। गागरौन का किला की बात करें तो गागरौन का किला है ये झालावाड़ में है, और ये जलदुर्ग का उत्तम उदाहरण माना जाता है। रणथंभौर का किला ये आपका सवाई माधोपुर है, इस किले को प्राचीन ग्रंथों में रण स्तंभपुर के नाम से जाना जाता है, रणथंभौर रण स्तंभपुर। ठीक है, चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? तो चांद बावड़ी आबानेरी में स्थित है, आबानेरी कहाँ है? डोसा में स्थित है, और ये भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे गहरी और एक अद्भुत बावड़ी है। ठीक है, इसमें अनेक प्रकार की सीढ़ियां हैं जो एक भूल भुलैया की तरह कार्य करती है। ठीक है, चांद बावड़ी आबानेरी दोसा में इसका निर्माण किसने करवाया? तो एक चौहान शासक था, चंद्र, चौहान शासक चंद्र ने इसका है वो निर्माण 8वीं 9वीं शताब्दी के मध्य है वो करवाया था। आमेर जयपुर में है, आपको पता है। सीकर, सीकर राजस्थान का एक जिला है शेखावटी के अंतर्गत, और तिलवाड़ा है ये बाड़मेर में है। यहाँ पर मल्लीनाथ का प्रसिद्ध पशु मेला आयोजित होता है लूनी नदी के तट पर तिलवाड़ा में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए? धन्ना जी, जाम्बो जी, पीपा जी और रेदास जी। तो राजस्थान के ऐसे संत जो पहले शासक हुआ करते थे, शासक के बाद में इन्होंने अपने राज्य को त्याग कर दिया और गुरु मंडली में सम्मिलित होकर रामानंद के शिष्य बन गए। तो ये थे संत पीपा जी। संत पीपा जी ये कहाँ के शासक थे? तो ये आपके, हमने जलदुर्ग की बात की थी, गागरौन, यहाँ के गागरौनी तोता भी प्रसिद्ध है। ठीक है, गागरौन झालावाड़ के गागरौन के ये शासक थे आपके संत पीपा जी, और ये शासक थे संत, सॉरी, प्रताप सिंह इनका नाम था। संत तो बाद में बने हैं, प्रताप सिंह के नाम से शासक थे गागरौन के, और इसके बाद में इन्होंने रामानंद जी के शिष्य बन गए, और गागरौन में ही एक काली सिंध और आहू नदियों के पास में एक गुफा है, उस गुफा में है वो रहने लग गए, और उसके बाद में देशाटन करते हुए आपके यहाँ पर आते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिम में बाड़मेर के आसपास में। ठीक है, तो संत पीपा जी के संबंध में ये जानकारी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है, ये भी रामानंद के शिष्य थे। अब आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा रामानंद के शिष्य नहीं है? तो संत धन्ना, संत पीपा, संत कबीर, ये सभी आपके रामानंद जी के शिष्य थे। ठीक है, जाम्बो जी है ये आपके गोरखनाथ जी के शिष्य थे। नेक्स्ट है, लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं? तो एक राजस्थान में कहावत लोकोक्ति प्रचलित है कि गांव गांव में खेजड़ी ने गांव गांव में गोगो, यानी कि पश्चिमी राजस्थान में प्रत्येक गांव में खेजड़ियों का वृक्ष है, और उन्हीं खेजड़ियों के वृक्ष में गोगा जी के थान है वो स्थापित किए गए हैं। ठीक है, तो जो थान है यानी कि गोगा जी का जो स्थान है वो सामान्यतः खेजड़ी के वृक्ष के नीचे है वो आपके स्थापित किए हुए मिलते हैं। ठीक है, गोगा जी को किस नाम से जाना जाता है? जाहर पीर के नाम से। ठीक है, महमूद गजनवी के साथ में युद्ध करने वाले राजस्थान के ये एक प्रसिद्ध लोक देवता है, जो कि गायों के लिए इन्होंने प्राणोत्सर्ग किए थे, इन्हें सांपों के देवता के रूप में भी मान्यता प्राप्त है, पूजे जाते हैं। नेक्स्ट, कुदरत सिंह को किस हस्तकला में महारत के लिए पद्मश्री से अलंकृत किया गया? राजस्थान की हस्तशिल्प कला से संबंधित यह सवाल आपसे पूछा गया है। तो कपड़े की छपाई, मीनाकारी, पीतल पर मुरादाबादी का काम या ब्लू पोट्री। तो कुदरत सिंह ये हस्तकला के लिए पद्मश्री से इन्होंने नवाजा गया है। तो कुदरत सिंह को मीनाकारी के लिए, मीनाकारी कला आमेर के मान सिंह के शासनकाल में राजस्थान आती है। ब्लू पोट्री भी आपकी जयपुर की ही प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके प्रमुख कलाकार शेखावटी के कृपाल सिंह शेखावत, इन्हें भी ब्लू पोट्री के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ब्लू पोट्री किसके शासनकाल में आई थी? राम सिंह के शासनकाल में।
मीनाकारी मान सिंह के शासनकाल में आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, मुहम्मद शाह और साहिब राम किस राजस्थानी चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो मुहम्मद शाह और जो साहिब राम है ये आपकी जयपुर चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार है। राजस्थान की जो प्रसिद्ध चित्रकला शैलियां हैं उनके प्रसिद्ध चित्रकारों से सवाल आपसे काफी बार पूछे जाते हैं। और अगर जयपुर पर ही आ गए तो जयपुर चित्रकला शैली में जो आदमकद पोर्ट्रेट है, सॉरी आदमकद यानी कि जो व्यक्ति का चित्र है वो पूरा है, ठीक है, आदमकद व्यक्ति का चित्र है, चित्रण किया गया है। और ये जो आदमकद पोर्ट्रेट है ये साहिब राम की देन मानी जाती है। और एक नाम और आता है चित्रकार का, साहिब दी, ठीक है। तो साहिब राम तो आपकी आदमकद पोर्ट्रेट जयपुर चित्रकला शैली से संबंध रखते हैं, लेकिन साहिब दीन है ये आपकी मेवाड़ चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं, ठीक है। बूंदी की बात करें तो बूंदी की जो चित्रकला शैली है ये आपकी पशु पक्षियों के चित्रण से संबंधित है। और कोटा की है ये शिकार, उसमें प्रमुख रूप से देखा जाता है कोटा की चित्र शैली में, ठीक है। दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं अधिकतर किस भाषा में पाई जाती है? तो ये सवाल आपसे राजस्थान की जो भाषा साहित्य है उनसे आप भी रिलेट कर सकते हैं, या फिर इस सवाल को आप राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं से या लोक संतों से भी रिलेट कर सकते हैं। तो दादू जी और उनके जो शिष्य हैं उनकी अधिकतर जो भाषाएं हैं वो ढूंढाड़ी भाषा में लिखी गई है। अधिकतर जो रचनाएं हैं दादू जी की, कायाबेली नामक प्रसिद्ध ग्रंथ है दादू जी का, इसके अलावा दादू जी रा दोहा जिसे दादूरी वाणी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो रचनाएं हैं ये आपकी ढूंढाड़ी बोली में है, ठीक है, ढूंढाड़ी बोली ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। मेवाती ये आपके अलवर के आसपास में है। मेवाती में पूछा जाए तो संत लालदास जी की जो रचना है, ठीक है, लालदास जी की चेतावनियां वगैरह, इसके अलावा संत चरणदास जी की रचनाएं हैं, चरणदास जी की जो शिष्याएं हैं सहजोबाई और दयाबाई इनकी रचनाएं भी आपको मेवाती बोली में देखने को मिलती है। और मारवाड़ी, इसमें मीरा जी की जो पदावली है ये आप मारवाड़ी में देखी जा सकती है, मीरा की प्रमुख रचनाएं, ठीक है। तो इससे जो पेपर है 2018 का इसमें राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के टोटल 25 प्रश्न पूछे गए थे, और 25 प्रश्नों का ही हमने डिस्कस किया था प्रीवियस जो 2016 वाला पेपर था उसमें राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के टोटल हमने 50 प्रश्नों का डिस्कस किया है। लेकिन एक ही प्रश्न में आपसे लगभग चार पांच और महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार से बन सकते हैं, इस प्रकार से आपको ये विश्लेषण है वो करवाया गया है ताकि परीक्षा की दृष्टि से आपको इस वीडियो से काफी हेल्प मिले और आपको पता भी चलेगा कि किस प्रकार से पेपर का लेवल रहता है, क्या पैटर्न रहता है। तो इसके लिए वैसे मैंने पहले मैराथन वीडियो डाल रखे हैं, उस वीडियो में भी आपको इन पेपर का सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा, लेकिन एक बार एग्जाम नजदीक आया इसलिए आपके रिवीजन के लिए ये दोबारा वीडियो है वो मैं आपको डाल रहा हूँ दोबारा रिकॉर्ड करके, ताकि आप एक बार और इनका अच्छी तरीके से रिवीजन कर लें। और एग्जाम से पहले राजस्थान इतिहास कला संस्कृति और राजस्थान ज्योग्राफी के जो मैराथन वीडियोज हैं वो आप जरूर जरूर देख कर जाए। और जिन्होंने टेस्ट सीरीज ले रखी है ओम डिजिटल स्टडी की, उस टेस्ट सीरीज की बहुत ही अच्छी तरीके से आप रिवीजन और प्रैक्टिस करके जरूर जाएं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगला जो वीडियो आएगा वो इसी पेपर का जो ज्योग्राफी वाला खंड है उस पर आधारित होंगे, जिस पर भी 50-25 प्रश्न राजस्थान भूगोल के 2016 के पेपर के और 25 प्रश्न ही 2018 के पेपर का हम डिस्कस करेंगे, जो आपकी इस परीक्षा के लिए बहुत बहुत मददगार सिद्ध होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के संबंध में अपने प्रतिक्रिया सुझाव कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। थैंक यू सो मच टू ऑल।